लखनऊ से सामने आ रही है, जहां प्रारंभ कर रहा था परीक्षा का आज आयोजन हो रहा है। पहली बार फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जहां 35 जिलों के 1058 केंद्रों पर 2 दिनों में 2 पाली में परीक्षा होगी। 20,07,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि केंद्रों के 24,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। और संवाददाता संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ तैयारियां परीक्षा को लेकर देखने को मिल रही है? देखिए मयूरी, जिस तरीके से आज देखिए प्रारंभिक अहर्ते परीक्षा यानी पीटी का आज देखिए एग्जाम हो रहा है, आज और कल लगभग 1058 केंद्रों में 2 पालियों में इस परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है। और देखिए पहली बार मयूरी ऐसा है जब इसमें जो है कि फेस रिकग्नाइज अटेंडेंस सिस्टम का, यानी जब आपका चेहरा वहां पर दिखेगा तभी आपकी अटेंडेंस मानी जाएगी। कई बार देखा जाता था कि जो एडमिट कार्ड होते थे उसमें फोटो किसी और की लगी होती थी, लेकिन वहां पर परीक्षा देने के लिए कोई और पहुंच जाता था, जिसके चलते लगातार या तो वो परीक्षा प्रभावित होती थी या फिर उस परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाता था। आज की ये जो परीक्षा है इसमें लगभग 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो भी परीक्षा के सेंटर पॉइंट बनाए गए हैं वहां पर 24,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। परीक्षा सेंटर पर पहुंचने के लिए परिवहन विभाग, रेलवे विभाग ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं, अतिरिक्त बस चलाई, और उसी के साथ साथ वहां पे चाहे पुलिस विभाग के अधिकारियों की बात करी जाए, सेक्टर मजिस्ट्रेट की बात करी जाए, डीएम की बात करी जाए, तमाम लोगों की तैनाती की गई। और ये कहा गया है कि जो भी परीक्षा है इसको पारदर्शी तरीके से कराया जाए, और वहां पर जो अभ्यर्थी पहुंचेंगे वो परीक्षा के समय से लगभग 1 घंटे के पूर्व वहां पर पहुंचे, और उसी के साथ साथ लाइन में लगकर अंदर जाने के साथ साथ उनकी चेकिंग भी करी जाएगी कि किसी तरीके का ऐसा कोई इक्विपमेंट तो वो साथ में नहीं ले जा रहे हैं जिससे कि परीक्षा प्रभावित हो सके। तमाम परीक्षाओं को देखिए जिस तरीके से पारदर्शी बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए योगी सरकार ने पहले ही अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी जो परीक्षा है वो नकल के चलते प्रभावित ना हो और उसको रद्द ना किया जाए, क्योंकि एक परीक्षा को कराने के लिए देखिए सरकार के तमाम संसाधन लगते हैं, पैसा लगता है, और उसी के साथ साथ जो अहम होता है वो होता है बच्चों का भविष्य। पीटी की परीक्षा को अगर लिया जाए, 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं, तो अगर परीक्षा देके किसी भी रूप से प्रभावित होती है या फिर वो रद्द होती है तो 20 लाख बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे में होगा। लगातार तमाम लोग तैयारी करते हैं, दूर दूर से सेंटर पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो ऐसे में योगी सरकार का सख्त आदेश है कि परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराया जाए, वहां पे पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए, टीचरों को भी सख्त निर्देशित किया गया है कि क्लासरूम के अंदर भी आपको एक सकारात्मक माहौल बनाकर रखना है, और उसी के साथ साथ जो भी बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं उनको भी समय से पहले वहां पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। आज 2 पालियों में इस परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है। मयूरी संदीप, जिस तरह हमने पिछली परीक्षाओं में देखा है तमाम तरह की गड़बड़ियां देखने को मिली हैं, अब जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, एक अच्छी पहल होगी कहीं ना कहीं ये? देखिए बिल्कुल मयूरी, साफ तौर पर पहले की जिस तरीके से देखिए परीक्षाएं रद्द हुई हैं उसमें कोई दोराय नहीं है। 2017 में भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं जब से मोदी सरकार या फिर योगी सरकार, लेकिन उन परीक्षाओं को रद्द होने के बाद में जो योगी सरकार ने एक्शन लिया, इसके पहले भी जो परीक्षाएं हुई थी उसमें तमाम अधिकारियों को निलंबित किया गया, जो बच्चे परीक्षा देने आए थे उनको सरकार ने अपने खर्चे से ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से उनके घर भिजवाए, और ये भी कहा कि इस परीक्षा को फिर से एक बार जल्द से जल्द कराया जाए। लेकिन मयूरी, अब ये योगी सरकार की सख्ती का ही नजर है कि आज जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही हैं, उन परीक्षाओं के होने के बाद जो उनका परिणाम है वो जल्द आ रहा है, और रोजगार की दिशा में आज उत्तर प्रदेश देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। लंबे समय से जो लंबित कह सकते हैं कि जो योजनाएं थी, जो विभाग थे जिसमें रोजगार नहीं कभी निकलते थे, अब उन विभागों का डाटा संकलित किया जाता है और पूछा जाता है कि आपके यहाँ कितने रोजगार यानी कितने पद खाली हैं,
तो परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया गया है, परीक्षाओं पर नकल ना होने पाए। और जो फेस रिकग्नाइज सिस्टम है, इसका मतलब समझिए स्वाति की, जब पहले कहीं ना कहीं पर या तो अंगूठा लगाने की, एक थंब लगाने की मुझे लगता है होती थी, और एक एडमिट कार्ड दिखाया जाता था, लेकिन अब जब आपका चेहरा वहां पर दिखाया जाएगा तभी आपको अंदर जाने को मिलेगा। यानी जो एडमिट कार्ड पर आपकी फोटो लगी है, जब फेक रिकग्नाइज जो अटेंडेंस सिस्टम है, जब वो उसको पहचानेगा तो ही आप परीक्षा दे सकते हैं। यानी वो जो एक नकलची बाबुओं वाली एक पूरी स्कीम होती थी कि एडमिट कार्ड किसी का लेकिन परीक्षा देने वहां पर कोई और पहुंच रहा, वो प्रथा जो है मुझे लगता है कि अब पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके के से होने से देखिए बच्चों को इसका फायदा मिलता है, जो अभ्यर्थी लगातार इसकी तैयारी करते हैं उनको पता होता है कि इस परीक्षा के। जी ठीक है, धन्यवाद संदीप हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण आज